तो उसमें बेसिकली ये स्टार्ट होता है हमारा, 1 तारीख को एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक बच्चा हुरैर अहमद डार उसको इंजरी आती है। उस एक्सीडेंट के बाद जब हम उसमें एक्यूज़ को हम पकड़ते हैं, वो हिट एंड रन केस था बेसिकली, तो बाद में फिर उसको ट्रेस आउट करके जब पकड़ते हैं तो वो एक शख्स निकलता है जिसका नाम होता है जावेद अहमद अहंगार। ये मैं आपसे शेयर करूंगा बट मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ। तो ये निकलता है, ये एक हैबिचुअल थीफ निकलता है, इसके और जगहों पर भी FIRs होते हैं चोरी के ही। तो इसको जब हम पकड़ते हैं और इसको हम इंटरोगेशन करना चालू करते हैं तब धीरे धीरे इसकी परतें और खुलती आती हैं, और धीरे धीरे करते करते काफ़ी एक बड़ा गैंग का खुलासा होता है जिन्होंने कई जगहों पे सोपोर में, बारामूला में, श्रीनगर में कई जगहों पे चोरियां अंजाम दी होती हैं। इसी के डिस्क्लोजर पे एक और शख्स को हम पकड़ते हैं जिसका नाम होता है हारून अहमद डार, सन ऑफ मुश्ताक अहमद डार। तो बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये लोग इनमें से एक होता है व्हीकल थीफ, एक होता है शॉप्स को मतलब शॉप लिफ्टर जिसको कहते हैं। तो लेट नाइट में ये लोग चोरियाँ करते हैं, कई गाड़ियाँ उन्होंने मतलब कई गाड़ियाँ तो रखी हुई हैं, आपने देखा सामने फोटोज भी देखी होंगी, तीन गाड़ियाँ अभी यहाँ पे दिख रही हैं आपको, उसके अलावा चार गाड़ियाँ, उसके अलावा दो गाड़ियाँ और जो है थानों में हैं, एक शहीदगंज थाने में है, एक ताजू थाने में है जो कि इसी गैंग ने अंजाम दिया था जिसको, और इसके अलावा और भी गाड़ियाँ जो है एंटिसिपेटेड है कि सामने आएंगी जो इन्होंने जैसा कन्फेस करा है। उसके अलावा इन्होंने जो शॉप लिफ्टिंग करी थी उसमें भी आपने देखा सामान काफ़ी सारा है, टोटल वर्थ आई थिंक कितना, 1.5 लाख, 2.5 लाख वर्थ का ऑलमोस्ट टोटल टोटल सामान है जिन्होंने लिफ्ट करा था और इन्होंने आगे बंदों को बेचा था। बाद में जो जिन्होंने जिनको बेचा हमने इन्होंने बेचा था उनको भी हम उठा के लाए हैं, उनको रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनको दो, एक प्रिंस फरीद खान है और दूसरा जावेद जंग जहांगीर अहमद शेख, ये तो इन दोनों को भी अरेस्ट करा गया है। इन्होंने ये जानते हुए कि ये सामान चोरी का था उसके बावजूद उन्होंने इसको खरीदा सस्ते दाम होने के उससे और इसको यूज़ कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में इन चारों को भी अरेस्ट करा गया। इस केस में अभी एक अक्यूज है जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, उसका एक और FIR है हंडवारा में, तो उसके पीछे भी हम पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह उसको भी जल्दी ही हम अरेस्ट कर लेंगे। तो रिकवरीज आपके सामने।